सन 1949 में राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के प्राकट्य हुआ था। तब से लेकर आज भी भगवान के इस प्राकट्य उत्सव को मनाया जा रहा है। जन्मभूमि सेवा समिति इस उत्सव को लेकर तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं। अवासी इस आयोजन के दौरान रामकोट की परिक्रमा यात्रा निकाली गई है। भगवान श्री राम लला का 73वां प्राकट्य महोत्सव है, जो पौष शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। सन 1949 को बाबा विरामदास जी द्वारा एवं जन्मभूमि सेवा समिति द्वारा भगवान जी का प्राकट्य कराया गया था, जो अभी श्री राम लला विराजमान है, इन्हीं के मूर्ति की प्रतिस्थापना की गई थी और इसी का ये आयोजन वार्षिक मनाया जाता है, जो पौष शुक्ल तृतीया को होता है। इसमें अयोध्या के साधु संत रामकोट की जन्म स्थान की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा जो है जन्मभूमि संपर्क मार्ग से शुरू होके वशिष्ठ कुंड होते हुए, अशर्पी वन होते हुए, हनुमानगढ़ी होते हुए, ये दोबारा क्षीरेश्वरनाथ होते हुए संपर्क मार्ग जन्मभूमि पे आके संपन्न होगी। 73 वर्ष का नाम है प्रकाट उत्सव है, इसको मनाया जा रहा है सेवा समिति के द्वारा। ये तब से आज से जब से ये राम जन्मभूमि के मूर्ति बना पधरा है प्रकट भैया, तब से ये उत्सव मनाया जा रहा है हर साल। यात्रा ही राम जन्मभूमि के मेन व्यवस्था है। राम जन्मभूमि के मंदिर से लेकर के सारा जो राम के कार्य भय अयोध्या में आज के दिन से ही ये शुरुआत है, इसलिए ये सबसे शुरुआत इसको माना जाता है। भगवान श्री राम के 73वां प्रकट उत्सव के पर जहां कल पहले राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान भगवान श्री राम लला के दरबार में कलश स्थापना किया गया, तो वहीं धार्मिक अनुष्ठान के बाद आज इस कलश के साथ रामकोट की परिक्रमा अयोध्या के साधु संत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं उनके उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। अयोध्या से प्रभा साक्षी के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।